नमस्कार, स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। आज हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन माने जाते हैं उनमें से एक प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि एक वाक्यांश दे दिया जाता है और उस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वाक्यांश एक शब्द क्या होता है, उससे पहले हम जानते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको कई वाक्यांश के शब्द ऐसे मिलेंगे जिसको देखकर आप ये कहेंगे कि अरे यार, ये तो मैंने उस एग्जाम में देखा था, ये प्रश्न वही था। क्योंकि ये सारे प्रश्न वो हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, महत्वपूर्ण एग्जामों में आए हैं, जो कि ज्यादा बार रिपीट होते हैं। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात पे अपन आते हैं। दूसरी बात ये है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्या मतलब होता है, कहाँ से ये उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से इनको लिया गया है सामान्य जीवन में। दोस्तों, हुआ क्या है, किसी भी भाषा के जो स्पेसिफिक शब्द बनते हैं वन वर्ड वाले, वो या तो उसके ग्रंथों से लिए जाते हैं। जैसे हिंदी भाषा का एक ग्रंथ है, महाकाव्य है, उसका नाम है रामायण, यानी रामचरितमानस। रामायण तो नहीं है, रामचरितमानस उसे कहा जाता है। तो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा था, उसमें कहीं सारे ऐसे लंबे लंबे शब्दों को, लंबे लंबे वाक्यांशों को जोड़ करके एक शब्द बनाया गया था। वहां से बहुत सारे लिए गए हैं। ऐसे एक दूसरी तरीके से आता है लोक श्रुति। लोक श्रुति यानी लोगों ने जो चीजें कही उनका एक शब्द बन गया या उसका एक तात्पर्य निकल के आ गया, उस प्रकार से सारी चीजें बनती है। और ये एग्जाम में अधिकांश बार पूछी जाती है, जिस जहां भी हिंदी का नाम आता है। तो सुनते हैं और देखते हैं क्या है। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप दिमाग लगा करके इस वीडियो को मात्र सुनेंगे और देखेंगे, उससे ही ये वाक्यांश आपके याद हो जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनको डीपली समझा सकूं। बस आप थोड़ा अपना ध्यान कहीं भी और जगह हो तो उसको एक बार केंद्रित कर लीजिए। ये जितना भी बड़ा वीडियो होगा इसमें आपके सारे वैकेंस हो जाएंगे और ये आपको याद हो जाएंगे। टोटल 75 यहाँ पर हम ले रहे हैं। पहला है, पहला अपना इसका वैकेंस दिया हुआ है, इसका एक शब्द करना है, जंगल में फैलने वाली आग। ठीक है, अब जंगल में फैलने वाली आग को कहा जाता है दावाग्नि। एक बार प्रोनाउंसिएशन कीजिए, दावाग्नि। ठीक है, समुद्र में लगने वाली आग, एक तो जंगल में फैल गई, एक कहां लगेगी, समुद्र में। ठीक है ना, समुद्र में लगने वाली आग होगी बड़वानल। बड़वानल ध्यान रख लेना, दावाग्नि और बड़वानल अक्सर ये पूछे जाते हैं। जो सपना दिन में देखा जाए, जो सपना दिन में देखा जाए उसे क्या कहा जाता है, दिवा स्वप्न। दिवा, दिवा यानी दिन का अर्थ यहां से लिया है, स्वप्न यानी सपना। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, यानी जिसे ज्ञात करना बहुत कठिन हो, जैसे प्रमेय आते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय, उसको अपन सोल्व करते हैं तो उसके आंसर बहुत एंड में बड़ी मुश्किल से आते हैं। ऐसे आगे जाए तो मैथमेटिक्स की कई सारी सी इंफॉर्मेशन है जो बड़ी कठिन से अपने याद कर सकते हैं उनको, तो उसे कहा जाता है दुर्गे। समझ में आ गया, बड़ी मुश्किल से ज्ञात किया जा सकता है कठिनाई से। अगला अपने पास आता है, जो कठिनाई से समझ में आता हो। अब देखो, एक तो पहला क्या था, यहां पर देखिए, पहला था कठिनाई से जाना जा सके, तो जानना यानी ज्ञात करना, और समझना यानी बोध करना। किसी चीज का बोध है आपको, आपका एग्जाम आ रहे हैं, आपको किताबों का बोध है, यानी किताबों का ज्ञान है, किताबें आपने समझ ली है, और जाना जा सके ज्ञात किया है, तो दुर्गे। और समझ में आता हो दुर्बोध, दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसे। अर्धरात्रि का समय, दोस्तों रात्रि को निशा के रूप में देखते हैं, तो अर्धरात्रि के समय यहां पर आता है निशित, सब पीछे लग जाता है निशित। आगे हम चले, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूपीएससी में पूछा गया था, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान को कहा जाता है नेपथ्य। क्या कहा जाता है, एक बार प्रोनाउंसिएट कीजिएगा, नेपथ्य। ठीक है, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाला, आजीवन जो ब्रह्मचर्य व्रत लेगा वो होगा नैष्ठिक। ध्यान रख लेना, नैष्ठिक शब्द का अर्थ होता है, एक बार बोलते भी जाए ताकि आपको याद हो जाए। नाटक का पर्दा गिराना, दोस्तों नाटक का पर्दा गिराना, आपने अगर मीडिया में अखबार पढ़े हों या बड़े बड़े कॉलम्स में लिखे जाते हैं हिंदी के जो अच्छे लेखक होते हैं, इस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसे कहा जाता है पटाक्षेप। पटाक्षेप मतलब होता है किसी चीज का अंत कर देना। ठीक
ठीक है ना, पर्दा गिर गया अंत हो गया, तो पर्दा गिरना या पटाख से पड़ना। रंगमंच का पर्दा, रंगमंच का पर्दा कहा जाता है दोस्तों, सिल्वर स्क्रीन नहीं कहा जाता, रंगमंच का पर्दा इंग्लिश में होता है वो। रंगमंच का पर्दा होता है यवनिका। आगे हम चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनको याद कर लेना आप। जो उत्तर न दे सके, दोस्तों जो उत्तर ना दे सके तो इजी निरुत्तर हो जाता है वो आपके सामने। केवल दूध पर जीवित रहने वाला, दूध पर जीवित रहने वाला कौन होता है, शिशु होता है ना, तो इसको क्या कहते हैं, पयोहारी। सिर्फ दूध पी के ही वो जिंदा रहता है। शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, इसी प्रकार से एक होता है पयोहारी, समझ में। शरणागत, जो शरण में आ चुका है, शरणागत की रक्षा करने वाला ये होता है प्रणतपाल। अबे प्रणतपाल कहाँ से लिया गया है, वही रामचरितमानस, रामचरितमानस से ये लिया गया है। कीजे सुशलीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा गो द्विज हितकारी। इस प्रकार से प्रणतपाल भगवंता तुलसीदास जी ने कहा है श्री राम जी को, क्या कहा है, प्रणतपाल भगवंता, यानी प्रणतपाल मतलब क्या होगा, शरणागत की रक्षा करने वाला। अब मेरे को एक बात बताओ, रामचरितमानस में जो शरणागत वो कौन था, रामचरितमानस में शरणागत था रावण का भाई, उसका नाम था, रावण के भाई का नाम था विभीषण, घर का भेदी लंका ढाई, ये भी कहावत है। तो प्रणतपाल भगवंता ये राम जी के लिए प्रयुक्त किया गया था, तो जो शरणागत की रक्षा करे वही प्रणतपाल है। आगे हम चलते हैं, एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना। दोस्तों एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना, इसका हिंदी में नाम होता है पृष्ठ प्रेषण। आपको दो शब्दों में इनको टोल लेना है, पृष्ठ प्रेषण, ठीक है। आगे चलते हैं, जो पूछने योग्य हो, जो पूछने योग्य हो वो होता है पृष्ठ, पृष्ठव्य। पृष्ठ सबसे पहले लगना, वे इसके पीछे लगना है, ठीक है ना। ये आपको उपसर्ग और प्रत्यय का ज्ञान होगा तो अपने आप शब्दों को तोड़ना आ जाएगा, ठीक है ना, पृष्ठव्य इसको कहा जाता है। और ये जो प लिखा आता है ना, बहुत से मैंने स्टूडेंट देखे हैं वो इस प को इस प्रकार, जिसमें ये मात्रा लगी होती, इसको प्र पलते हैं। ये प्र नहीं है, प्र ये है, ये प्र है जो प्रत्येक में आता है, ये प्री है, क्या है, प्री, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य हो तो प्रमेय हो जाता है। रात का भोजन या ब्यालू, अब ब्यालू जो है ये जैन ग्रंथ का शब्द है और रात्रि भी से कहा जाता है। ब्यालू अक्सर क्या होता है, सूर्य अंत होता है, अस्त होता है सूर्य का, उसके पहले किया जाता है तो उसे कहा जाता है ब्यालू। और रात्रि भोज सूर्य के बाद कर लो या सूर्य अस्त के समय कर लो, तो शाम के टाइम का जो भोजन होता है जिसे हम अंग्रेजी भाषा में डिनर कहते हैं, वो चीज के लिए प्रयोग होता है ब्यालू या रात्रि भोज। जिसकी आंखें मगर जैसी हो, दोस्तों जिसकी आंखें मगर जैसी होती वो होता है मकराक्ष। आगे हम चलते हैं, जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, दोस्तों दो शब्द यहाँ पर आएंगे मछली के समान आंखों के लिए, दोनों आपको याद रखना है, कई बार पूछे गए, पीसीएस एग्जाम्स में पूछे और सामान्य एग्जाम में पूछे। मीनाक्षी यानी मीन, मीन यानी मछली, नाक्षी यानी नयन, जिसके मछली के समान है नयन तो वो हो जाएगी मीनाक्षी। जिस पुरुष की आंखें मछली के समान हो तो वो भी हो जाएगा मीनाक्षी। अब आप कहेंगे मीनाक्षी स्त्री भी मीनाक्षी पुरुष भी मीनाक्षी, जी हाँ, मछली मादा भी होती है और मछली नर भी होती है। आपने कभी देखा कि मछली सिर्फ मादा ही होती है, अगर मछली मादा ही होगी ना तो फिर उनकी संतति विकास कैसे होगा, मादा की भी जरूरत होती है। तो मछली जो है नर भी होती है मादा भी होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं, हिरण के नेत्रों सी आंखों वाली मृग नैनी तू न जाने हाल क्या मेरे मन में है। मतलब ये हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, दोस्तों ये सब है, मुमुक्षा कहते हैं इसको, मरने की इच्छा रखने वाला वो। अब मुंह और मुंह ये जो है शब्द की देख लीजिएगा आप, मात्रा चेंज हो गई है, तो यहां पर सा आ रहा है, यहां पे ओनली सा आ रहा है, रसा, तो मुमुर्सा, मुमुर्सा और मुमुक्षा। तो मुमुक्षा जहां पे आ जाएगा वहां पे मोक्ष आ जाएगी, और मुमुर्सा जहां आ जाएगा वो मरने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हो जाएगा। युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, तो दोस्तों युद्ध करने की इच्छा वाला होता है युयुत्सा, क्या, युयुत्सा,
युत्सा। अब युत्सा से आप ऐसे याद रखना, एक अपने जस्टिस थे उनका नाम था युयु ललित, तो उसी प्रकार से आप युयुत्सा याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं हम, सृजन करने की इच्छा। दोस्तों सृजन करने की इच्छा होता है सिसिर सा, आपको ऐसे याद रखना है, सिसरी री है यहाँ पर, सिसिर सा। ठीक, आगे चलते हैं, खुले हाथ से दान देने वाला, मुक्त हस्त मुक्त कंठ, जो बिना सोचे समझे काम करता हो, दान दे देता हो, तो मुक्त हस्त उसे कहा जाता है। जो बिना सोचे समझे कह देता है, मुक्त कंठ उसे कहा जाता है। माता की हत्या करने वाला, मातृ हंता पिता हंता, वो सब इस प्रकार से होता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, कौन है वो? शंकर। क्या नाम हुआ उनका? मृत्युंजय। आगे चलते हैं, वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो, यानी जिसका विवाह करने का वचन दे दिया, ऐसा पहले जमाने में हो जाता था, सगाई हो जाती थी या वचन दे दिया जाता था, तो उसे कहा जाता है वाग्दत्ता। व्याकरण का क्या था? व्याकरण, ठीक है ना, व्याकरण का क्या था? क्या लग जाएगा? वे की डबल मात्रा लग जाएगी ऊपर। शत्रु का नाश करने वाला, शत्रुघ्न। जिसका कोई आदि और अंत ना हो, शाश्वत, शाश्वत होता है ये। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। तो दोस्तों ये बहुत इजी वाले भी हैं, बहुत टिपिकल भी मैंने पहले लिए हैं, आगे देखेंगे उन सबको। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ हो जाता है। अब आगे आता है अपना सब कुछ पाने वाला, तो दोस्तों ये होता है सर्वलब्ध, जिसको सबका लाभ हुआ है। आगे चलते हैं, जो गुप्त रूप से निवास करता हो, छद्म निवासी या छद्मवासी कोई भी आ सकता है। दिन और रात के बीच का समय, गोधूली वेला। जब ये पूछा गया था PCS उत्तर प्रदेश में, और ये प्रश्न समझने वाली बात है, मैं आपको बताता हूँ क्या इसका सार है। अब दोस्तों ये प्रश्न समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिन और रात, दिन और रात क्या होगा? या तो सुबह होगा या शाम होगा, वही तो होगा दिन और रात का समय। तो सुबह, सुबह को नहीं कहते, सुबह क्यों नहीं कहते? सुबह को कहते हैं भोर। भोर भई गइयन के पाछे मदबन मोहि पटायो, यानी कि सूरदास याद आ गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं, शाम का, रात का समय, जो दिन और रात दो ही जगह कोलेक्ट करते हैं। अब रात के जो समय होता है, दिन और रात जो शाम का समय होता है, सांझ जिसे कहा जाता है, वो होता है गोधूली वेला। अब उसे गोधूली वेला क्यों कहते हैं? सांझ कह दे, भाई सीधी सी बात है, सांझ कह दो ना, गोधूली वेला शब्द कहां से आया? अब ये शब्द इस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, बहुत गजब का कंसेप्ट बताने जा रहा हूं आपको मैं। सांझ के समय पुराने जमाने में क्या होता था कि जो गाय और बछड़े जो थे वो वापस आते थे अपना भोजन ग्रहण करके जंगलों से, और जब वो वापस आते थे तो उनके पैरों से, जब वो वापस आते थे तो उनके पैरों से जो मिट्टी थी, क्योंकि पहले सड़कें नहीं थी, मिट्टी थी, वो धूल उड़ती थी, और धूल उड़ के पूरे मतलब ऐसे फैल जाती थी वो पूरे जगह पे। तो जैसे ही वो धूल पूरे जगह पे फैलती थी, तो जो जो वो वातावरण बनता था शाम का, वो पूरे वातावरण में एक धूल फैल जाती थी, धूल। और वो धूल कहाँ से आ रही? गाय के पैरों से। तो गाय के पैरों से जो धूल आती थी उसे कहा जाता है गोधूली वेला। समझ गई बात? क्यों शाम का नाम लिया है यहाँ पर, क्यों शाम के समय को ही गोधूली वेला कहा जाता है, ये इसके पीछे की पूरी कहानी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बढ़िया कंसेप्ट था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा टाइम लेते हैं। आगे चलते हैं, जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध है वो होता है सिद्धार्थ। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित रहता है, दोस्तों उसे कहा जाता है कंप मंडुक। भोजन करने के बाद का बचा हुआ अन्न झूठन, इसे कहा जाता है उच्चिष्ट। उच्चिष्ट वो होता है भोजन करने के बाद जो उत्सर्जित अमन करते हैं, उसे कहा जाता है अपशिष्ट। ठीक है, जिसे सूंघा ना जा सके, आघ्रेय, सूंघा ना जा सके। आगे हम चलते हैं, वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, दोस्तों इसे कहा जाता है आंसू कवि, और ज्यादातर ये सटायर होते हैं, सटायर यानी व्यंग्य, व्यंग्यकार होते हैं। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, दोस्तों अजात शत्रु कहते हैं इसको, अजात शत्रु। जो इंद्रियों को इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, दोस्तों इंद्रियों द्वारा न जाना सके मतलब होता है वो अगोचर होता है। अगोचर कौन है? अगोचर का शब्द भगवान जगदीश के लिए प्रयोग किया गया है हिंदू धर्माध्ययन में। जगदीश को तो जानते होंगे आप,
अभी रथ यात्रा निकली है अभी 2 दिन पहले, तो वहाँ पर पुरी में अपने भुवनेश्वरम में बहुत बड़ा महोत्सव होता है। आगे चलते हैं। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहने वाला, ये होता है अतिशयोक्ति। आपने अक्सर डिबेट में देखा होगा संबित पात्रा एक ही बात बोलता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसका क्या मतलब है? बोला ये बात बड़ी नहीं है, पेपर आउट हो गया तो भी बोलेंगे वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। जिसे बुलाया न गया हो, तो दोस्तों ये होता है अनाहूत। अनाहूत ये होता है। आगे चलते हैं। जो सबके मन की बात जानता हो, दोस्तों अंतर्यामी अपन तो नहीं जानते। जो मापा न जा सके, तो दोस्तों मापने को कोई भी चीज मापते हैं ना, तो उससे उसका क्या आप निकलता है? परिमाण। परिमाण लिख रहा हूं, परिणाम नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे। परिमाण निकलता है उसका तो वो परिमेय हो जाता है, लेकिन इसे मापा ना जा सके वो अपरिमेय। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाला या तीव्र इच्छा, उसे कहा जाता है अभिप्सा। अब अभिप्सा हर व्यक्ति को होती है। आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना, इसे कहा जाता है अपरिग्रह। क्या होता है ये? अपरिग्रह। आगे हम चलते हैं। अगला अपना आता है मार्ग में खाने के लिए भोजन, दोस्तों इसे कहा जाता है पाथेय। खाने के लिए भोजन होता है मार्ग में। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो, इसे कहा जाता है पथ्य। जो भोजन रोगी के लिए निषेध हो, इसे कहा जाता है अपथ्य। ये बहुत टिपिकल वर्ड है हिंदी के, पथ्य अपथ्य पाथेय, ठीक है ना। अविवाहित महिला, इसे कहा जाता है अनुड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, रट लेना, इसे अनुड़ा कहा जाता है। आगे हम चलते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली, उसे कहा जाता है अध्युड़ा। जिसकी शादी अविवाहित महिला को कहा जाता है अनुड़ा, और जिसने जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली उसको कहता है अध्युड़ा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, उससे कहा जाता है आगत पतिका। यानी पति आ गए हैं, आगत पतिका। आगे चलते हैं। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात रहकर प्रातः लौटा हो, उसे कहा जाता है खंडिता। वह स्त्री खंडिता हो जाती है। ये बहुत पुराने जो ग्रंथ है उसमें इन शब्दों का वर्णन है। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, उसे कहा जाता है प्रोषित पतिका। प्रोषित पतिका कहा जाता है। वह स्त्री जिसके हाल में शिशु उत्पन्न हुआ, उसे कहा जाता है प्रसूता। ये सबको पता होता है। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी, इसे कहा जाता है तलाकशुदा या परित्यक्ता। अभी आपका जो कट ऑफ निकलेगा ना, उसमें एक साइड में लिखा होगा सबसे ऊपर परित्यक्ता। आपको पता है किस प्रकार से कट ऑफ निकालते हैं? जस्ट 5 मिनट लूंगा, अभी बता देता हूं, मेरे को पूरा प्रोसेस पता है। इसलिए सबसे पहले आता है आपका जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होता है या विकलांग होता है, ठीक है। वो भी किस जाति का? जो जनजाति से आता है, आरखनवाई। उसके बाद आती है महिला। महिला में भी सबसे पहले आती है तलाकशुदा या परित्यक्ता, फिर उसके बाद समस्त कैटेगरी आती है। ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, समय नहीं है, बाद में किसी दिनों इस पर चर्चा करेंगे। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ, उसे कहा जाता है नवोड़ा। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासा। ये रखने जिज्ञासु हो जाएगा, रखने वाला होगा तो पूछेगा इच्छा, तो उससे जिज्ञासा कहेंगे। जीतने नहीं लिखा हुआ है, जिसमें, ठीक है ना, जिसमें दमन करने की इच्छा, तो ये हो जाएगा जिगीसा, ठीक है। किसी को मारने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिंघांसा। नाम का प्रोनाउंसिएशन कर लेना आप, जिंघांसा इसे कहा जाता है, जिंघांसा। आगे चलते हैं। भोजन करने की इच्छा, दोस्तों इसे कहता है बुभुक्षा भी कहते हैं और जिघत्सा भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जिघत्सा या बुभुक्षा? बहुत भूख लग रही, बुभुक्षा। आगे चलते हैं। ग्रहण करने पकड़ने की इच्छा, इसे कहा जाता है जिघृषा। जिघृषा। जिंदा रहने की इच्छा, इसे कहा जाता है जिजीविषा। जिंदा रहने की इच्छा को कहा जाता है जिजीविषा। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तैर कर पार करने या तर जाने की इच्छा रखने वाला कहता रहता है तितिरसा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला कहलाता है ऐसणा। कई बार इसको तृष्णा भी बोल दिया जाता है, ठीक है ना। जिसको बहुत ज्यादा भूख है, तृष्णा है, मतलब पानी की। जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता हो, उसे कहा जाता है छिद्रान्वेषी। बहुत से लोग हैं जो छिद्रान्वेषी हैं, हमेशा दोष ही खोजते हैं।
जिसे खरीद मोल लिया गया हो उसे कहा जाता है क्रीत। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, इसे कहा जाता है उपत्यका। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा कहा जाता है ईशान। ईशान कोण भी होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अब आगे आता है अपना, जिसने अपना ऋण पूरा कर दिया हो उससे कहा जाता है उरण हो जाता है वो, ठीक है ना। जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हो उसे कहा जाता है क्षितिज। ये अक्सर तब होते हैं जब आप समुद्र के किनारे जाओ या ऐसी जगह जाओ जहां बहुत ज्यादा पानी हो या दिखाई देते हैं, वहां पे अंत दिखाई देता है। तो ये हो जाता है अपना आज का लेक्चर। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। समझ में नहीं भी आई हो तो इनको याद तो कर ही लेना, क्योंकि ये आने की संभावना है, बहुत बार पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण हैं, और आपको देख के लगे होंगे कि कितने महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me.